अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आटा गूंदना तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, आज मैं आपको रोटी बनाना बताऊंगी, वो भी पराठे वाले तवे पे। हम तो उल्टे तवे पे बनाते हैं, लेकिन मैं ये सीधे तवे पे बनाना शेयर करूंगी उन बच्चियों से, मेरी अपनी बच्ची से भी और उन बच्चियों से जो सीखना चाहती हैं और किसी वजह से वो सीख नहीं पा रही। बिल्कुल बेस जो है वो मैं सिखाऊंगी। आटा तो मैंने आपसे शेयर कर लिया, अब मैं रोटी बनाना भी शेयर करूंगी। इस तरह पेड़े बनाने, फिर मैं आपसे एक और बताती हूँ। बस अब ये इसकी चंगेर है, हम तो चंगेरी कहते हैं, अब पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे। यानी पेड़ा बनाने के बाद जो रोटी को बेला जाता है, उससे पहले का जो ये प्रोसेस है ये वो है। ये देखिए, ऐसे ये अंगूठा रखें और ये चीज़ ऐसे करते रहें और बस किनारों को करें, बीच में से छोड़ दें और इस तरह करें। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको भी। अब मैं वापस चंगेरी आपको बताती हूँ। इसमें हम इस रोटी को भी देखते जाएंगे। अब इसको बेलती हूँ, आप देखें किनारों पे से अच्छे से। ये देखिए चारों तरफ किनारों पे से अच्छे से उसको बेलते रहना, साथ साथ रोटी को भी चेक करते रहें। इतना आसान है रोटी बनाना, कोई भी मुश्किल नहीं है बेटा, आप करना चाहो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए तवे को हमने हैंडल से पकड़ लिया और ये रोटी हम सेकना शुरू हो गया। हाँ, सब्जी पे देखें गैस भी कितनी कम है, लेकिन मैं उसमें भी आपको इसलिए मैं पराठे वाले तवे पे बता रही हूँ कि लड़कियाँ पराठे वाले तवे पे बना लेती हैं, और जो सादा तवा है, उल्टा तवा जिसे हम जिस पे हम पकाते हैं, मेरे लिए तो इस पे पकाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये रोटी बेल दी हमने, अब इसको हल्का हल्का सा हम करेंगे और पीछे तवे पे डालेंगे और फिर ये अगली चंगेरी भी बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह किनारे दबाते जाएंगे एक अंगूठे से ऐसे, और ये नीचे चार उंगलिए और फिर इसको ऐसे। अब ये रोटी, फिर रोटी को बेलेंगे। ये देखें किनारों पे से ना, बेलन को किनारों पे घुमाना, बीच में नहीं घुमाना। किनारे घुमाते जाएंगे रोटी, फिर देखो बेलन को ऐसे घुमाते हैं ना, रोटी खुद ही फूट जाएगी। और जहाँ से निकलना हो वो कर ले, आप बराबर कर ले किनारों के, कोई मसला नहीं। खुश्की जो है ना वो बहुत कम लगाएं आपने। फिर ये किनारे में और ऐसे तवा, आधा तवा रखें, आधी हाथ रखें ऐसे।
इसकी। चंगेर देखिए, मैं चंगेर बना रही, चंगेरी या चंगेर जो भी, ये देखिए अंगूठी के साथ ऐसे उल्टे अंगूठे को ऐसे, और इस चीज़ को ना ये इससे इसको कर रही हूँ, ठीक है, घुमा रही हूँ। देखिए मैं खुशकी भी बहुत कम लगा रही हूँ, खुशकी भी नहीं लगा रही। किनारे सेके, बीच में से ना सेके, तवा गर्म है, बीच में से रोटी खुद बखुद ही सिक जाएगी, सिर्फ किनारे सेकी। ठीक है, देखिए अब ये रोटी को इस तरह पकड़े सेकी। रोटी को भी हम ऐसे सेकेंगे, घट कर कितनी बेहतरीन सी रोटी होगी। तो ये हैं हमारी रोटियां, जो नई बच्चियां हैं और मेरी जो छोटी बेटी है, ये उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि अगर मेरी एब्सेंट में उसे बनानी पड़े तो वो देख के बना लेगी, क्योंकि अक्सर वो छोटी छोटी चीज़ें कर रही होती है घर में। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।